Hello students, today's topic is composition of different form and this is your July month first syllabus topic. So my first step is to draw the rough sketch of solid shapes like sphere, cylinder, cube and cone. आप पहले एक सिलेंडर शेप ड्रॉ करेंगे, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. टू लाइंस ड्रॉ करी, देन ऊपर हमने ओवल शेप ड्रॉ करना है लाइक दिस एंड कर्व से आपको इसे जॉइन करना है. देन नेक्स्ट इज हम क्यूब ड्रॉ करेंगे. क्यूब के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. वन साइड से हम जॉइन करेंगे इसे और सेम इसके पैरेलल हम लाइन जॉइन कर देंगे इसे. देन अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. अब इस लाइन के पैरेलल ये लाइन होगी. अब थोड़ा सा गैप लेके जॉइन कर दीजिए और इस लाइन के पैरेलल आपकी ये लाइन होगी और आप इसे जॉइन कर दीजिए. अब इस क्यूब के ऊपर आपको एक कोन ड्रॉ करना है. कोन बहुत सिंपल है, जैसे एक कैप शेप ड्रॉ करनी है क्यूब के ऊपर. और इसे जॉइन कर देना है कर्व से. अब जो सेंटर की लाइंस हैं आप इन्हें रब कर देंगे. देन एक स्क्वायर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ वन सर्कल. आप बैंगल यूज कर सकते हैं या कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं. हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ बैंगल का यूज कर रही हूँ. सेंटर की जो लाइंस है सेम अगेन आप इन्हें रब करेंगे. इरेज कर दीजिए इरेजर से. नाउ माय स्केच इज कंप्लीट. अब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे. आप लाइट टू डार्क टोन यूज करेंगे. पहले आप लाइट शेडिंग करेंगे देन आप इसको डार्क यूज करेंगे. तो आप नॉर्मल कोई भी पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं. तो हम वन साइड से स्टार्ट करेंगे. आप लाइट लाइट पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाएंगे लाइक दिस. देन अदर साइड से भी आप पेंसिल से ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे. आपकी पेंसिलें ज्यादा पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए. अगर पॉइंटेड होगी तो स्ट्रोक्स जो होंगे बहुत फाइन होंगे. आपको बिल्कुल मिक्स करना है अपने स्ट्रोक्स को. मैं थोड़ा सा डार्क टोन यूज करेंगे. अपनी पेंसिल को थोड़ा प्रेस करेंगे और डार्क शेडिंग देंगे. अब क्रॉस हैचिंग का यूज करेंगे और इसे शेड करेंगे.
सेंटर में हम थोड़ा डार्क टोन यूज कर रहे हैं। नाउ हम कोन में शेड करेंगे, वन साइड से स्टार्ट करेंगे आप स्ट्रोक्स लगाना। अदर साइड हम थोड़ा लाइट लाइट पेंसिल यूज करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइट लाइट स्ट्रोक्स देने हैं। यहाँ पे भी सेम आप हैचिंग यूज करेंगे, क्रॉस हैचिंग, आप ऐसे क्रॉस लाइंस दे सकते हैं। देन स्फीयर, स्फीयर में आप वन साइड से लाइट लाइट स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। बहुत लाइट स्ट्रोक्स यूज करे मैंने, पेंसिल को मैं बहुत लाइट चला रही हूँ, आपको भी सेम थोड़ा लाइट रखना है पेंसिल को। पूरा कवर नहीं करना, बट टू साइड्स में हमने हल्का हल्के शेड दिया है। अब इसको भी सेम आप क्रॉस हैचिंग से इसको शेड करेंगे, आप क्रॉस कर सकते हैं लाइंस को अपनी। क्यूब को करेंगे, क्यूब के लिए आप यूं सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगाएंगे, स्ट्रेट लाइंस के स्ट्रोक्स। अदर साइड से भी आप ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाएंगे और इसको हम क्रॉस हैचिंग से डार्क करेंगे एक एरिया को। अदर साइड भी आप क्रॉस हैचिंग यूज कर सकते हैं। अब इन सॉलिड फिगर्स की शेड देंगे, तो यहाँ आप नीचे साइड में अगर लाइट यहाँ से पास हो रही है, आपकी लाइट यूँ डायरेक्ट यहाँ आएगी, तो जो इन ऑब्जेक्ट की शेड है वो इस तरफ आएगी आपके राइट हैंड डायरेक्शन में। हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। और फिर हम इसको क्रॉस कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज थोड़ी डार्क शेड रहेगी। देन स्फीयर की शैडो, सेम टेक्निक हम यूज कर रहे हैं शेडिंग के लिए हैचिंग। मैंने जो टेक्निक यूज करी है वो है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग मैं आपको एक साइड में बना के दिखाती हूँ आपको क्रॉस हैचिंग कैसे करनी है। आप नॉर्मल स्ट्रोक्स लगाते हैं इसे,
और जब आप इसे क्रॉस कर देते हैं तो ये क्रॉस हैचिंग होती है। तो यही टेक्निक हमने शेड में यूज करी है। अब क्यूब की शैडो Now it's complete.